कैसा माहौल सुबह से ही नजर आ रहा है? जी आपको बता देंगे, सुबह आज जैसे कि मौसम खराब था उसके बावजूद भी सुबह से ही लोग मंदिर में आना शुरू हो गए थे। आज तीसरा नवरात्र, माँ चंद्रघंटा का नवरात्र है। असुर शक्ति और राक्षस का दमन करने वाली माँ चंद्रघंटा का आज दिन है, और इस दिन क्या पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए और उसका क्या महत्व है। हम लोग बड़ी देवी सिद्धपीठ मंदिर में है और यहाँ के पुजारी मेरे साथ हैं, मैं उनसे ही सीधी बात करूंगा। थोड़ा बताएं कि आज किस तरह का त्योहार दिन है और क्या कुछ करना चाहिए। आज माँ पराम्बा भगवती का तृतीय नवरात्र है, जिसमें माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। ये माँ एक पार्वती का रुद्र रूप है, जिसमें माँ ने शत्रुओं का विनाश के लिए, माँ ने शत्रुओं का विनाश किया था, तब से माँ की चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। आज के दिन भगत श्रद्धा और भक्ति के साथ घी का दीपक लगा करके, गंगा जल छिड़क करके माँ पराम्बा भगवती का जो भी तत्कित मन से मन को शांत करके पराम्बा भगवती का ध्यान कर उनकी पूजा करते हैं। माँ के सर्व शत्रु, माँ उनके शत्रुओं का विनाश करती है और धन और ऐश्वर्य को बढ़ाती है। किन चीजों में कहते हैं माँ को पीले आज रंग बड़ा पसंद होता है? देखिए, आम माँ को आज पीत वस्त्र, पीड़ा केले का भोग, दूध से मिठाइयाँ, घी, दूध इत्यादि का माँ पराम्बा भगवती को भोग लगाया जाता है आज। तो मंदिर में सवेरे से हम देख रहे हैं बिल्कुल निश्चित रूप से आज माँ पराम्बा भगवती की सदैव ही माँ नवरात्र में विशेष रूप से भक्त श्रद्धा के साथ, बड़ी उमंग के साथ सुबह 4 बजे ही माँ पराम्बा भगवती के शक्तिपीठ के द्वारे पर आकर के अपने मस्तक बनवाते हैं और श्रद्धा के साथ माँ का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी सुबह 4 बजे से यहाँ पे भक्तों की भीड़ शुरू हो गई थी, सुबह आरती हुई और उसके बाद लोगों ने मत्था टेका और प्रसाद लिया और अपने दिनचर्या के लिए लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ, आप कुछ और लोग भी जो लगातार यहाँ पे मंदिर में आते रहते हैं, जो भक्तजन है। आप कब से आ रहे हैं यहाँ मंदिर में? मैं आता रहता हूँ। तो क्या महत्व है यहाँ पे? देखो, ये मैं तो ये कहता हूँ कि माँ तो माँ है, माँ के बिना जीवन वो है। ये माँ सब भक्तों का दुख दूर करती है, जो सच्ची श्रद्धा से आते हैं तो उनका बीड़ा पार करती है। जी, अब भक्तों में कभी लगातार आने का सिलसिला सुबह से ही जारी है और जैसे नवरात्रों में एक माया मंदिरों में जो रौनक होती है, एक बार रौनक फिर लौटी है। बिल्कुल विपिन, काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए।